रचना शर्मा आपकी दोस्त। दोस्तों हमारा ये शो पंडित जी कहिन वास्तु बेस्ड शो है, जिसमें हम वास्तु से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी बदलने में कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगी। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया पंडित जी। दर्शकों आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। तो मैं आज पंडित जी से ये जानना चाहूंगी कि कैसे होमोसेक्सुअलिटी वास्तु के पॉइंट से कनेक्ट करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है नया, और हमने अभी न्यूज में भी सुना है और चर्चा का विषय भी है जी। और इस पर खुलकर और बोल्ड कदम से बात करनी चाहिए। ईश्वर ने तीन तरीके के लिंगों का निर्माण किया। जब एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाए, जब एक स्त्री एक दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाए और उनके बीच में कामोत्तेजना उत्पन्न हो जाए, तब होमोसेक्सुअलिटी जन्म लेती है, जिसे हम समलैंगिकता कहते हैं। सम का मतलब सिमिलर, लैंगिकता का मतलब सेक्सुअलिटी। और ये तब होता है जब हमारे घर का वास्तु बिगड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, हम इसी समाज में रहते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी पर निर्भर करती है, हमारे बच्चों पर ही निर्भर करती है। हमारा आने वाला कल जो है, क्या हम ऐसा कल चाहते हैं जिसके अंदर हम समाज को बच्चे ही ना दे पाएं, वंश वृद्धि ही ना कर पाएं? तो उसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों का युग्मन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घर के वास्तु को सुधारना है और ये जानना है कि घर का वास्तु किस कारण से बिगड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं काल पुरुष थोड़ी से कि ये होता क्यों है और किस तरीके से बिगड़ता है। जब कभी भी मंगल शुक्र और राहु आपस में संबंध बनाते हैं कुंडली में, तब इस तरीके के पुरुष, आज हम सिर्फ उन्हीं पुरुषों की बात करेंगे क्योंकि चर्चा का विषय है, और तो ऐसे पुरुष का दूसरे पुरुष की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है जब शुक्र मंगल और राहु आपस में संबंध बना रहे होते हैं। इसका कहने का मतलब है जब घर के दक्षिण कोण का, साउथ ईस्ट कोण का वास्तु अगर खराब होता है, और या साउथ वेस्ट में कहीं पानी की टंकी, कहीं फव्वारा या किसी भी तरीके का बड़ा पेड़, हरा पेड़ अगर हो, या इस तरीके की बहुत ज़्यादा खिड़कियां हो साउथ वेस्ट कोने में, तो बच्चे समलैंगिक हो सकते हैं उस घर में। और अमूमन अगर उस घर की साउथ वेस्ट साइड में बच्चों का रूम है, तो ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि बच्चे पॉजिटिवली अपने ही लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमारे घर का साउथ कोने का वास्तु, साउथ वेस्ट कोने का वास्तु और साउथ ईस्ट कोने का वास्तु, कुल मिला के साउथ जोन पूरा, ये हमें सुधारना होगा। तो पंडित जी ये जो समस्या चल रही है या ये जो कंडीशंस पैदा होती हैं, इन पर रोक लगाने के लिए आप क्या हमें उपाय बताएं? जैसे मैंने आपसे कहा नेहा जी कि तीन डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और तीन ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल हैं वास्तु दोष के कारण के लिए। तो घर की जो साउथ डायरेक्शन है उसमें थोड़े से रेड शेड्स लगाए जाएं, लाल कलर्स का इस्तेमाल किया जाए या लाल पर्दों का इस्तेमाल किया जाए। घर की साउथ ईस्ट साइड पे आप थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसा रखें कि जो आपका किचन स्टोव है वो कम से कम दिन में एक बार जले और उस डायरेक्शन में हो, और उस जगह पानी की व्यवस्था बिल्कुल ना हो। साउथ ईस्ट कोने में अगर पीने के पानी की व्यवस्था है तो बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। तीसरी बात, घर का जो साउथ वेस्ट कोना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ राहु बसता है, वहाँ पर बच्चे एटलीस्ट ना सोएं जी। जो अनमैरिड बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना सोएं, अदरवाइज ये बहुत बुरा इम्पैक्ट देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्पेशल वास्तु टिप की ओर। नेहा आज का जो टिप है हमारा समलैंगिकता से ही संबंधित है, और ये वास्तु टिप मैं उन बच्चों को देना चाहूंगा, और मेरी पूरी ऐसी कामना है कि वो सही मार्ग पर आ जाएंगे। एक बहुत सीधा और सिंपल सा उपाय है, घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आगे और पीछे की तरफ से वॉल के दोनों तरफ भगवान शंकर के अर्धनारेश्वर स्वरूप का पिक्चर लगाया जाए, और इस जगह पे धुआं किया जाए यानी कि धूप की जाए, राहु को दबा दिया जाए और केतु से दबाया जाए। तो यहाँ पर धूप करने का अर्थ है कि राहु यहाँ पर कमजोर हो जाएगा और अपने नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। अर्धनारेश्वर का पिक्चर आगे और पीछे के डायरेक्शन से इस प्रकार से लगा करके दोनों तरफ से वहाँ पर धूप करनी चाहिए। धूप किसी से भी की जा सकती है, चाहे वो गूगल से हो, लोवान से हो या अगरबत्ती से हो, दोनों तरफ की साइड से धूप करें, निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी सहम जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा,
और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रोज आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।